हेलो फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट में आज हमारा डे सेकंड है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्न को। और ये जो प्रश्न है ये आपके सब्जेक्ट भूगोल से रिलेटेड है। तो आप जानते हैं भूगोल भी सामान्य अध्ययन फर्स्ट का सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, हिस्ट्री और भूगोल। चलिए देख लेते हैं पहले प्रश्न को, देखिए ध्यान से। पूर्वी और पश्चिमी घाट भारत की दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो विभिन्न तारीखों से भारत की जलवायु तथा कृषि को प्रभावित करती हैं। चर्चा करनी है आपको 150 शब्द में, ठीक है। तो आपने जैसे प्रश्न को पढ़ा, इस प्रश्न को आप क्या करना है, दृष्टिकोण देखना है इसका, किस तरीके से तीन लाइन के इस प्रश्न को हमको सॉल्व करना है। चलिए दृष्टिकोण देख लेते हैं। देखिए दृष्टिकोण, सबसे पहले हमें क्या करना है, पूर्वी और पश्चिमी घाट का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत करनी है, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पर जलवायु और कृषि पर पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के विपरीत प्रभाव पर गहराई से विचार करना, फिर आपको लास्ट में निष्कर्ष पर आ जाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करना है, आपने अगर प्रश्न को नहीं लिखा है दोस्तों तो पहले प्रश्न को लिख लें आप अपनी कॉपी पर, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, पर्चे लिखेंगे। तो चलिए देख लेते इंट्रोडक्शन। पूर्वी और पश्चिमी घाट भारत के भौगोलिक क्षेत्र की खूबसूरती के प्रमाण हैं, फिर भी पूर्वी एवं पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला देश की जलवायु तथा कृषि को विपरीत रूप से प्रभावित करती हैं। इतना आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में। फिर आगे लिखना मुख्य भाग में, मेन बॉडी में क्या क्या लिखना है देखते हैं। जलवायु और कृषि पर पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों का विपरीत प्रभाव, वर्षा का पैटर्न, इस तरीके से डालना है और लिखना है। जैसे ब्लैक ब्लैक लिखा तो ये आपको ब्लैक पेन में लिख लेना है तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना, ब्लैक पेन से लिख लेना। चलिए पश्चिमी घाट, यह वर्षा अवरोधक के रूप में कार्य करता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन नमी सागर से नमी ग्रहण और पश्चिमी घाट में ऊपर की ओर उठती हैं, जिससे पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों केरल महाराष्ट्र पर भारी वर्षा होती है। इस तरीके से जैसे कोष्ठक में लिखा है, आप चाहें तो इस ये दोनों स्टेट के नीचे आप अंडरलाइन कर देना जैसे मैंने किया वैसे, ठीक है। पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग दक्कन पठार पर वर्षा छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके कारण यहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है। पूर्वी घाट अपनी कम ऊंचाई और असतत प्रकृति के कारण मानसून के विक्षेपण पर इसका प्रभाव सीमित है। इसका पूर्वी घाटों का मानसून पैटर्न पर कम प्रभाव पड़ता है। हालांकि मानसूनी पवनों की शेष नमी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय मैदानों तक पहुंचती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मध्यम वर्षा होती है। तापमान विनियमन, पश्चिमी घाट यहाँ का तटीय तापमान मध्यम है। पश्चिमी घाट एक भौतिक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जो दक्कन पठार से आने वाली गर्म शुष्क पवनों को पश्चिम तट तक पहुँचने से रोकता है। यह मालाबार तट पर अधिक सुखद और आंध्र जलवायु बनाए रखता है। पूर्वी घाट देख लेते हैं, इसका तापमान पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। अपनी कम ऊँचाई और असतत प्रकृति के कारण पूर्वी घाटों का क्षेत्रीय तापमान को विनियमित करने पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आसपास के क्षेत्रों में मौसमी बदलाव अधिक प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किए जाते हैं। चलिए आगे और देख लेते हैं। वनस्पति पर प्रभाव, पश्चिमी घाट उच्च वर्षा और मध्यम तापमान समृद्ध जैव विविधता वाले घने जंगलों के लिए आदर्श परिस्थितियाँ विकसित करते हैं। यहाँ पर हरे भरे सदाबहार वन पाए जाते हैं। यह वनस्पति वाष्पीकरण को बढ़ावा देकर वर्षा के प्रारूप को और अधिक प्रभावित करती है तथा निम्न तापमान में योगदान प्रदान करती है। चलिए पूर्वी घाट देखिए, यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पूर्वी घाट की वर्षा छाया में कम और अधिक अनियमित वर्षा पर्यटन के कारण यहाँ पत्तियों के गिरने के साथ शुष्क वनों का विकास होता है। यहाँ जटिल परिस्थितियों के अनुकूल झाड़ियाँ और घास के मैदान भी पाए जाते हैं। कृषि पर प्रभाव देख लेते हैं। देखिए पश्चिमी घाट उच्च वर्षा और मध्यम तापमान के कारण यहाँ कॉफ़ी, चाय, इलायची तथा मसालों जैसी बागानों में उगाई जाने वाली फसलों के लिए आदर्श परिस्थितियाँ हैं, अतः यहाँ बागवानी कृषि की जाती है। इसके अतिरिक्त ढलानों पर उपजाऊ मिट्टी, केले जैसे फलों की खेती के लिए अनुकूल है, ठीक है। आगे देखते हैं, पूर्वी घाट मध्यम और अक्सर अनियमित वर्षा पैटर्न के कारण अलग अलग समय पर पानी की आवश्यकता वाली मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, अतः यहाँ मिश्रित कृषि तथा शुष्क प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ आमतौर पर दलहन, बाजरा, कपास और कुछ तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त ज्वार एवं बाजरा जैसी शुष्क प्रतिरोध फसलें इन क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। जल संसाधन प्रबंधन देख लेते हैं। पश्चिमी घाट प्राकृतिक रूप से वाटर टॉवर के रूप में कार्य करते हैं। पश्चिमी घाट में घने जंगल वर्षा जल को संग्रहित करते हैं, जिसमें पश्चिम की ओर बहने वाली कई बारहमासी नदियों
नदियाँ जिनसे जल प्राप्त करती हैं, या नदियाँ इस क्षेत्र में सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वी घाट देख लेते हैं, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में नदियों का एक चला कि पूर्वी घाट में गोदावरी और महानदी जैसी कुछ प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं जो पूर्वी भारत के जल संसाधनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आप देख लेते हैं, निष्कर्ष पर आ जाते हैं। जैसे थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, दोनों पर्वत श्रृंखलाएं जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या दबाव और विकासात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में अद्वितीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्रों का संरक्षण तथा सतत प्रबंधन भारत की पर्यावरणीय स्थिरता, खाद्य सुरक्षा एवं समग्र सतत विकास के लिए अनिवार्य है। दोस्तों इस तरीके से आपको इतना बड़ा निष्कर्ष लिख लेना है, 6 लाइन में आपको निष्कर्ष निपटाना है, ठीक है, जिससे क्लियर समझ में आए एग्जामिनर को। तो आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, सपोर्ट जरूर करें। ऐसे क्लासेस आपको निरंतर चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।